अरे डियर तुम भी ना, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। भला अपनी एनिवर्सरी भूल सकता हूँ क्या? अरे मैं अपने साथ तुम्हारे लिए फूल और मिठाइयाँ भी ला रहा हूँ। बस अपने ऑफिसर पांडियन से परमिशन लेनी है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ चलाऊंगा। अरे आज की रात तो बहुत मजा आने वाला है। बस तुम आज की रात बच्चों को जरा जल्दी सुला देना। हाँ साहब आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे साहब को तो फूलों से नफरत है, छिपा देता हूँ। सर क्या हुआ, किसे बात कर रहे? सर मैं यहाँ आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे ये फूल कहाँ से आ गए? ओहो सर आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ मुबारक हो। थैंक यू सर। तो फिर तुम्हें परमिशन चाहिए होगी? सर आपने साबित कर दिया कि आप टेलीपैथी में माहिर हैं सर। अगर आपने परमिशन दे दी तो मैं बीवी के साथ मंदिर चला जाऊंगा। अच्छा तब ये फ्लावर्स मंदिर के लिए हैं? हाँ सर। ठीक है पहले मेरे घर का फंक्शन खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। चाबियां दो मुझे। सर मुझे आज की छुट्टी चाहिए थी, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। ऐसा नहीं है भाई। हाँ हमेशा मैं बैठता हूँ, तुम ड्राइव करते हो। आज मैं ड्राइव करूंगा और तुम बैठोगे, बस यही कह रहा हूँ। क्यों भेजा, यही घर है? हाँ सर। ए बारा तेरा नाम नाजिर है? मैं ही हूँ। तूने पोस्टर चिपकाए हैं? हाँ सर। किसने परमिशन दी तुझे? मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? सर ने जो पूछा सर सर बता बता सर, किसने कहा था पोस्टर लगाने मुझे को? मुझे फोन पर किसी ने कहा था लगाने के लिए। देख लीजिए सर इसी में है, यही नंबर है सर। नंबर बता रहे सर? फोन करने वाले का नाम बता। सर उसका नाम नहीं पता, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने पोस्टर चिपका दिया। ऐसी बात है? पोस्टर चिपकाते वक्त आंखें बंद कर लेता है क्या? पढ़ता नहीं उसे? मैं अनपढ़ हूँ साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लगा फिल्मों का है। ठीक है पुलिस स्टेशन चल, वहीं अपनी कहानी बताना। चल चल चल। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो सर, इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। बोलो विजय। सर हमें नाजिर मिल गया सर। ओ गुड, बोलो सर। ये बोल रहा है कि इसको किसी ने फोन पे पोस्टर चिपकाने के लिए कहा था, और ये भी बोल रहा है कि ये उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। और ये भी कह रहा है कि इसने सिर्फ पैसों के लिए काम किया है। ओके सर, वो नंबर भी अननोन नंबर है। नंबर ट्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम कंट्रोल रूम से नंबर ट्रैक करवा रहे थे, पर वो कह रहा है कि ये नंबर को हैक किया गया है। अब इस आदमी का क्या करें सर? उसे कस्टडी में ले लो, मैं उसे पूछताछ करूंगा। ओके सर। ओके तुम्हारा फोन बज रहा है, बात क्यों नहीं करते हो? सर मेरी बीवी का फोन है, जानबूझकर नहीं उठा रहा हूँ। अगर मैंने उससे बात की तो हजार सवाल पूछेगी कि अभी तक घर पर क्यों नहीं है। अरे पत्नियाँ ऐसी होती हैं, समझ। अरे सर लेकिन मेरी बीवी सब लोगों की बीवियों से अलग है, अगर मैंने भूल से भी कुछ कह दिया तो उसके बदले वो हजार बातें सुना सुना कर मेरा जीना मुश्किल कर देगी सर। दरअसल इसकी वजह यह है सर कि उसकी माँ भी मेरे साथ घर पर ही रहती है, इसीलिए उसका पावर दुगना रहता है। सर हम लोग आपके घर जा रहे हैं ना? यस यस। बापरे बच गया, और कहाँ जाएंगे। हेलो संध्या, आपको याद भी है कि आज आपकी बेटी की एंगेजमेंट है? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। देखो अंकल दूल्हे वाले घर आ गए हैं, जल्दी आइए। हाँ मुझे पता है, आता हूँ मैं, जल्दी आता हूँ। जल्दी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। आपका 10 मिनट पता नहीं कब पूरा होगा। 10 साल हो गए मेरी बहन और उसके पति को मरे हुए। उसके बाद सचिन, संध्या और स्मिता, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। उनके पास पैसे थे, घर भी था, लेकिन माँ और पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान था कि बिना किसी गाइडेंस के वो भटक न जाए। बट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। 25 साल की उम्र में ही सचिन ने सारा बिजनेस संभाल लिया। वैसे ही संध्या तब बच्ची थी और आज उसकी एंगेजमेंट है। स्मिता सबसे छोटी और शरारती। मुझे नहीं पता कि संध्या की शादी के बाद मैं ये सब कैसे संभालूंगा। पूरे हो ही गए। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। ये लो मुझे दो। सर ये लीजिए। अरे ये लो। लो। ये तो बहुत ही फैंसी है। एकदम फैंसी वाला लाया हूँ। अंकल शादी मेरी हो रही है। ये तो गुस्से में लाल हो रही है यार।
हाँ सर, गुस्से का पारा चढ़ता ही जा रहा है सर, देखिए ना। इसका भी दे ही देते हैं। जल्दी कीजिए सर। वाओ, थैंक यू सो मच, लव यू अंकल। तुम्हें लगा भूल गया? लो, ये ऐसे नहीं खुलता है, मुझे दो। इसे ऐसे ऐसे खुलते हैं। ये ले, देखा गन है? तुम्हें भी मेरी तरह आईपीएस बनना है? दैट्स माय गर्ल। इसे अच्छी तरह शूट कर दो। कुरियर है सर। हाँ, लाओ मुझे दो। ये किसके लिए है? संध्या। मैं ही हूँ। मुझे कौन कुरियर भेज सकता है? तुम्हारे घर की हर खुशियाँ आंसुओं में बदलेंगी। From Angel। क्या हुआ संध्या, तुम इतने टेंशन में क्यों आ गई? किसी एंजल का है। मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम एंजल है? नहीं अंकल, ध्यान से सोच कर बताओ। मुझे अच्छे से याद है। स्कूल का कोई है? मुझे पक्का याद है अंकल, मैं किसी एंजल को नहीं जानती। मुझे डर लग रहा है, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना अंकल? अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। हो सकता है किसी फ्रेंड ने मजाक में किया हो ऐसा। चलो जाओ, तुम लोग जाओ, जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करो। जाओ जाओ जाओ, जरा इसे पकड़ो। सर, हेलो, कौन बोल रहा है? कुमार, मैं कोयम्बटूर से पांडियन बोल रहा हूँ। बोलिए ना सर। चेन्नई से मुझे किसी एंजल के नाम से आज एक कुरियर मिला है। मैं तुम्हें कुरियर कंपनी का नाम, एंजल के लेटर की कॉपी और बाकी सब डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। जितना हो सके डिटेल्स पता करके मुझे बताओ। ओके सर, जल्द से जल्द बताओ, बहुत अर्जेंट है। ठीक है सर, मैं जल्दी बताता हूँ। नमस्ते पांडियन। नमस्ते। और बाकी बढ़िया चल रहा है? कैसे हैं आप लोग? आइए। हाय अंकल। हाँ बेटा। नमस्ते नमस्ते, आइए।